नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी न्यूज 27। देश के ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहे एमबी न्यूज के साथ। मैं आपको लिए चलता हूं खबरों की ओर। खबर कटिहार से है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर डीआरएम व अन्य रेलवे अधिकारियों ने किया योगाभ्यास। कटिहार रेलवे मैदान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर रेल मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश पर कटिहार रेलवे मंडल के अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा बुधवार को भव्य एवं व्यापक आयोजन किया गया। सीनियर डीपीओ अतुल कुमार मिश्रा के नेतृत्व में कर्मचारी कल्याण निधि कार्मिक शाखा द्वारा इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया, जिसमें डीआरएम कर्नल सुभेंद्र कुमार चौधरी मुख्य अतिथि थे, जिनको सीनियर डीपीओ अतुल कुमार मिश्रा द्वारा बुके प्रदान कर शाल उड़ाकर उन्हें सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विश्व परिषद बिहार योग विद्यालय विश्व योगपीठ मुंगेर के स्वामी अभिषेक कुमार एवं उनके टीम को प्रशिक्षण हेतु आमंत्रित किया गया था। आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से डीआरएम श्री चौधरी ने आम जनों से अपील किया कि योग करें। योग हमें शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ बनाता है, इसलिए योग करें, हमेशा निरोग रहें। वहीं आयोजित योगा कार्यक्रम के दौरान हर्ष प्रकट करते हुए डीआरएम श्री चौधरी ने कहा कि रेल कर्मी के लिए योग काफ़ी ज़रूरी है, जिससे लोग पुनः रिचार्ज हो जाते हैं। आयोजित कार्यक्रम में लगभग 1000 से अधिक रेल के अधिकारी कर्मचारी, मान्यता प्राप्त यूनियन के पदाधिकारी, महिला कल्याण संगठन के अध्यक्ष सहित अन्य रेलवे पदाधिकारीगण ने आयोजित योगा कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में कर्मचारी कल्याण संघ के निरीक्षक प्रभारी उमा शंकर सहित अनिल उपाध्याय, सुजीत कुमार, मोहम्मद एच रहमान, मोहम्मद नैयर आलम, प्रकाश श्रीवास्तव, दीपक कुंडू, बबलू पासवान, रेवती नंदन शर्मा, असित सरकार सहित अन्य वेलफेयर इंस्पेक्टर की सराहनीय भूमिका रही है। इस अवसर पर डीआरएम श्री चौधरी के साथ एडीआरएम चौधरी विजय कुमार, आरपीएफ कमांडेंट कमल सिंह, सीनियर डीएनसी, सीनियर डीएफएम, सीनियर डीसीएम, सीनियर डीएमई, सीनियर डीसीएम सहित सभी रेलवे अधिकारीगण के अलावे हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे, जिसमें महिलाओं ने काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसके लिए रेल पूरे मैदान में कार्मिक विभाग द्वारा रिफ्रेशमेंट सहित अन्य व्यवस्था भी की गई थी। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एमबी न्यूज़ 27। धन्यवाद।